हालात डेफिनेटली चिंताजनक हैं और मैं आपके दर्शकों को सभी को सचेत करना चाहूँगा कि इस समय हालात जो हैं अगर काबू में लाने हैं तो सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि बिना वजह कोई बाहर ना निकले, सरकार के जितने भी नियम हैं कि 6 बजे के बाद अपनी दुकानें बंद रखें और उसके अतिरिक्त मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र या हाथ धोने का, सोशल डिस्टेंसिंग का और हमारी जितनी गैदरिंग्स हैं चाहे शादी की या वो, सरकार की तरफ से भी उनका नंबर लिमिट कर दिया गया है और स्थिति को देखते हुए सभी प्रोग्राम्स को केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह और मिनिमम लोगों के साथ अगर मजबूरी है तो ही किया जाए। स्थिति ऐसी नहीं है कि हम फुल फ्लेश फंक्शन कर सकें। हम खुले में बिना मास्क के अगर घूमेंगे तो कोरोना आने का खतरा बहुत ज़्यादा सभी को हो गया। जिन एरियाज में केसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमें ये भी शक है कि वहाँ बहुत सारे व्यक्ति ILI सिम्टम्स यानी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार के हैं और वो टेस्ट कराने आगे नहीं आ रहे, वहाँ हम डेफिनेटली वहाँ हम एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाकर और घर घर का सर्वे और उनकी टेस्टिंग का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जैसे आपको जानकारी दे दूंगा कि वार्ड नंबर 1, 2 और गुड़ा तीनों गांवों के अंदर हमारी तैयारी है कि हम इनको पूरा रोक के और इनके अंदर पूरा अपना सर्वे हाउस टू हाउस करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन का स्प्रेड इतना ज़्यादा इंद्री एरिया में हो रहा है उसको हम कंटेन कर सकें, कंट्रोल कर सकें। और स्थिति ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, हम नहीं चाहते कि वो इससे ज़्यादा और बढ़ें केस और हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और हमारा बोझ बढ़े और लोगों का स्वास्थ्य जो खतरे में ऑलरेडी है बहुत उसके ऊपर। इस समय आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सभी हॉस्पिटल्स जितने भी कोरोना ट्रीट कर रहे हैं उनके अंदर बहुत कम बेड अवेलेबिलिटी रहती है। ऑक्सीजन बेड्स कल्पना चावला में अवेलेबल हैं परंतु ICU वेंटिलेटर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। इस समय सबको परहेज़ ही बेस्ट है कि घर पर रहें, सब परहेज़ रखें और जो भी अपना खांसी जुकाम के जैसे लक्षण होते हैं इमीडिएटली आके टेस्ट करें और आइसोलेट हो जाए। वार्ड में अलग अलग है, एक में 12, दूसरे में 13 और इसी प्रकार गांव गुड़ा में भी 12 केस हैं। ऐसे जिस भी एरिया में बहुत ज़्यादा केस निकलेंगे और हमें लगेगा कि स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है उसको हम कंटेनमेंट जोन बनाने की पूरी तैयारी में हैं, क्योंकि अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो ये स्प्रेड जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। सैंपलिंग के लिए क्या व्यवस्था है? हमने हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ कर रखी है, जैसे कि आप बाहर भी देखेंगे हमने OPDs को अपनी बाहर खुले में शिफ्ट कर दिया है ताकि हमारे डॉक्टर भी संक्रमित ना हों। OPD टाइम हमने थोड़े रिड्यूस कर दिए हैं ताकि लोग जिनको बहुत आवश्यकता है वही आएं। और उसके अतिरिक्त हमारी सैंपलिंग जो है यहाँ ऑलमोस्ट रोज हो रही है, हम किसी भी दिन अपना संडे के दिन भी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ सैंपल करें। उसके अतिरिक्त अगर रात को भी हमें आवश्यकता पड़ती है, कोई ऐसा मरीज आता है तो हम रात को भी इमरजेंसी में किसी व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ फैसिलिटी क्रिएट कर दी है। अगर हमारे पास कोई रोगी आ ही जाता है जिसका हमें लक्षण लगते हैं, टेस्ट नहीं होता हमारे पास उस समय, उसका रिपोर्ट नहीं है, टेस्ट तो हम कर ही देंगे उनका, तो उन व्यक्तियों के लिए भी हमने एक अलग आइसोलेशन जगह क्रिएट की हुई है ताकि जब तक उनको हम करनाल ट्रांसपोर्ट ना कर सकें, एम्बुलेंस ना आए, तब तक भी उनको हम ऑक्सीजन सपोर्ट यहीं पर अपने अस्पताल में देंगे। हमने अपने 4 से 6 बेड्स एक्सक्लूसिवली, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसकी सांस में दिक्कत है उसके लिए हमने डेजिग्नेट कर रखा है, वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। जब तक पेशेंट को हम यहाँ से कल्पना चावला शिफ्ट नहीं करते तब तक उसकी ऑक्सीजन की हम पूर्ति के लिए हमारे पास पूरा इंतजाम। मेरे पास अभी लगभग अगर PHC इंद्री में बात करें तो 138 के करीब केस हैं जो एक्टिव केसेस हैं, यानी 17 दिन से कम। अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, केवल 2 या 3 ही केस ऐसे हैं जिनकी हमें जानकारी है जो एडमिटेड हैं। तो इसके अलावा बट ये है कि मतलब मैक्सिमम केसेस, जिस तरह आप संख्या समझ ही सकते हैं, मैक्सिमम केसेस होम आइसोलेटेड है और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि वो जिसको भी लक्षण हो सैंपल करवाएं ताकि इन्फेक्शन को हम इस समय कंट्रोल कर सकें, उसकी रोकथाम को उनको आइसोलेट करके रोक सकें।